मैं डॉक्टर अमरेंद्र यादव उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में एमकॉम स्तर पर संचालित मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पेपर कोड 101 के नाम से जाना जाता है जिसके ब्लॉक फर्स्ट यूनिट 1 और 2 को लेकर के उपस्थित हूँ। आइए अब देखते हैं आज के इस ऑनलाइन क्लास में जो मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पे हम आपको फोकस कराएंगे वो इस प्रकार से हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में बतलाएंगे। उसके बाद मोड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को कैसे पढ़ा जाए, उसका मोड क्या होगा उसके बारे में बतलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा पॉइंट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिफरेंसेस। अकाउंटिंग और फाइनेंस में डिफरेंसेस क्या है, अक्सर लोग फाइनेंस और अकाउंटिंग के डिफरेंसेस को नहीं समझ पाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस। अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिना इसके अकाउंटिंग का कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो अकाउंटिंग इवेंट्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको बतलाएंगे और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं उसको बताएंगे और साथ ही साथ उसे कैसे हम तैयार करेंगे उसको बताएंगे। उसके बाद हम नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बतलाएंगे। उसके बाद स्कोप एंड इमर्जिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के स्कोप क्या हैं, उसके इमर्जिंग जो रोल हैं वो क्या हैं, उसके डेवलपमेंट के कितने अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रहे हैं, भविष्य में कैसे अकाउंटिंग क्या क्या रोल प्ले करेगा उसके बारे में बतलाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये किस प्रकार से एक इंफॉर्मेशन का काम करता है उसके बारे में आपको बतलाएंगे। रोल ऑफ एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का रोल क्या है उसके बारे में भी आपको हम बतलाएंगे। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग क्या है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में कुछ हमारे पास सर्टेन पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये चीज़। तो अकाउंटिंग इज डिफाइंड, अकाउंटिंग को कैसे डिफाइंड किया जाता है, तो एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यह रिकॉर्डिंग का एक कला है। क्लासिफाइंग, जो क्लासिफाइंग करता है, जो आंकड़े ट्रांजेक्शन्स, बहुत से ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसको कैसे हम क्लासिफाइंग करेंगे वो सब अकाउंटिंग्स के पार्ट्स होंगे। एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स, और ट्रांजेक्शन्स को समराइज किया जाएगा इन मॉनेटरी टर्म्स, ये सबसे जो नोटिसेबल पॉइंट्स है कि मॉनेटरी टर्म्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं जब वो मॉनेटरी टर्म्स में होंगे तभी वो अकाउंटिंग के लिए प्रीफर किए जाएंगे, अदरवाइज उसे हम अकाउंटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स की बात की गई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तैयारी के लिए ये सारी चीज़ें। अगर इसे एक शब्द में हम जाने, एक वर्ड में, इन अ वर्ड दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं, टर्म्स को किस रेफरेंस में यूज किया जाता है उसे हम बतलाते हैं। तो रिकॉर्डिंग रेफर्स टू क्रिएटिंग जर्नल एंट्री, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात आती है। अब जर्नल एंट्री करने के लिए क्या क्या हमें लिखना है उस सेंस में हम रिकॉर्डिंग को यूज करते हैं। क्लासिफाइंग रेफर्स टू क्लासिफाइंग ईच ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन टू कैपिटल
और रेवेन्यू एंड एसेट्स, लाइबिलिटी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस. समराइजिंग रेफर्स टू ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसा कि आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमारा इंक्लूड किया जाता है. तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनकी ग्रुपिंग करता है. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट्स में कुछ ट्रांजेक्शन्स चले जाते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में चले जाते हैं, कुछ बैलेंस शीट में चले जाते हैं, और ये सारे पार्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. तो समराइजिंग का हम असर ये लगाते हैं. उसके बाद अब यदि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में द सम ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस इज रेफर्ड टू एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सोशल सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, इट इज रेफर्स टू एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, जिसे हम आय व्यय खाते के रूप में बनाते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद अब यहाँ पर हम एक नोट के रूप में आपको यहाँ दिखाते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे कि अक्सर लोग समझने में एक गलती कर बैठते हैं और ट्रायल बैलेंस को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट समझ लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है. ट्रायल बैलेंस एक रफ सीट है, वो समरी है ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स की वो समरी है, समरी सीट है, उसके भी आप पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, इसलिए उसे हम एक रफ सीट मानते हैं. उसे अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो वो एक रॉ बैलेंस शीट है. उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं. तो मोड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं मोड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लर्निंग मोड क्या होगा, तो उसमें आप देख रहे हैं चेंज योर माइंड सेट दैट अकाउंटिंग मीन्स ओनली डेबिट एंड क्रेडिट. पहले तो आपको अपना एक माइंड सेट जो जनरली तौर पे सबके पास सेट रहता है वो ये कि अकाउंटिंग जो है वो तो बस डेबिट क्रेडिट कर देना है. तो डेबिट क्रेडिट कर देना, इस माइंडसेट को आपको सबसे पहले बदलना होगा. क्यों? तो अब डू नॉट ब्लाइंडली लर्न अकाउंटिंग रूल्स. आप कभी भी अज्ञानतावश अकाउंटिंग के रूल्स को अप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थिति खड़ा कर देगा. अब आपके पास वो मोड क्या होंगे, अकाउंटिंग मोड्स. तो द बेस्ट वे की बात अगर करें तो हम यहाँ पर कुछ ये आपको दिख रहा है 5 पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं, जो एक बेस्ट वे होगा अकाउंटिंग को समझने के लिए, उसकी लर्निंग के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए. ये तो इसका बेसिक रूप से एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि देखिए, लर्न द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है उसको आपको जानना पड़ेगा. उसके बाद अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो कन्वेंशंस हैं अकाउंटिंग के उसे भी आपको समझना पड़ेगा. क्लासिफाइंग द अकाउंटिंग इवेंट, अकाउंटिंग इवेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि किसका किस अकाउंट से रिलेशन है, किसको कहाँ पे हम पुट अप करेंगे एट्सेट्रा. आगे चल के हम इसको आपको बतलाएंगे. उसके बाद आप देखेंगे अप्लाई द अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स को आप अप्लाई करेंगे. रिकॉर्ड क्लासिफाइंग एंड समराइज द जर्नल, इस पर भी आपको बहुत ही ध्यान देना होगा. रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, क्लासीफाई भी कैसे किया जाएगा, और समराइज कैसे उसका आप समरी तैयार करेंगे जर्नल के लिए. अब आगे देखते हैं, इसको हम एक अभी जो बताया उसको इस प्रकार से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है.
इस पिक्चर के माध्यम से आप देखिए मोड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग, ये लर्निंग अकाउंटिंग के मोड्स क्या हैं। तो इसको लर्न अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लर्न करना पड़ेगा। 10 फंडामेंटल्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हमारे पास 10 मूलभूत अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, हमारे पास 3 मेजर कन्वेंशंस हैं, उसको भी हमें समझना होगा। क्लासिफाई द अकाउंटिंग इवेंट्स, अकाउंटिंग इवेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। और ये जो अकाउंटिंग इवेंट्स क्या क्या हैं हमारे पास, जनरली 5 है, जैसे कि कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा। और उसके बाद हम आगे देखते हैं अप्लाई द अकाउंटिंग रूल्स, तब जा करके हम अकाउंटिंग रूल्स को अप्लाई करेंगे। और ये अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स के व्याप पे ये जो रूल्स बने हैं वो आपके सामने रहेंगे। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एज अ जर्नल, जब ये ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एज अ जर्नल्स के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, तो इंटरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शंस हैं उसके डेबिट और क्रेडिट साइड को हम यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद क्लासीफाई द ट्रांजेक्शंस, क्लासीफाई ट्रांजेक्शंस का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन का करते समय हम देखेंगे कि जो 5 उसके सेगमेंट हैं जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस ये आते हैं, और उसमें हम उसको क्लासिफाई करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे हम पुट अप करेंगे। उसके बाद समराइज द ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शंस का हम समराइज करेंगे, समरी बनाएंगे, तो प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आल्सो। अब आगे हम देखते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर है, तो इसको बड़े ही संक्षेप में आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं कि एक ये फाइनेंस अकाउंट्स। तो फाइनेंस के लिए देखिए, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो हम फंड्स को कैसे रेज करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन, उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, वो हम फाइनेंस के अंतर्गत उसे इंक्लूड करके स्टडी करते हैं। उसके बाद लीड्स टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या क्या हमें लेना है उसको भी हम फाइनेंस के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं, कहाँ पे हमें फाइनेंस के डिसीजन को, जैसे कि इन्वेस्ट करना है, डी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तमाम बातें इसमें आती हैं। अब फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर में हमें क्या करना है उसका रिलेशन फाइनेंस के अंतर्गत देखते हैं। कास्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के कास्ट को भी हम फाइनेंस के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो, फंड फ्लो, प्रोजेक्ट अप्राइजल, रेशियो एनालिसिस, इन सबका अध्ययन, सबका स्टडी हम फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। अब फाइनेंस के स्टडी स्कोप को देखने के बाद हम आते हैं अकाउंटिंग पे, अकाउंट्स पे। तो अकाउंट में हमें क्या करना होता है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ एन अकाउंटिंग इवेंट, यहाँ पे तो अकाउंटिंग इवेंट का रिकॉर्डिंग किया जाता है, एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड आल्सो एट्सेट्रा, आप ये भली बात जानते हैं। हिस्टोरिकल की बात कर, तो जो हिस्टोरिकल की बात है, यानी कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन डन हो गए उसकी हम रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग के अंतर्गत करते हैं। कंप्लाइंसेस विद स्टैट्यूटरी मैटर्स लाइक कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, GST, इनडायरेक्ट टैक्सेस एट्सेट्रा। उसके बाद हम अब ये अंतर जान लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट पे चलते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात अगर करते हैं, तो ग्लोबली
प्लेटफॉर्म पे हम देखें तो एक जो हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, वो जो भी पूरे वर्ल्ड में मानक बनाए जाते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पज, तो उसे पूरे वर्ल्ड के अकाउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट करना होता है। जो भी कंट्रीज होते हैं और जहाँ के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ब्यूरो काम करते हैं, वो सब उस प्रिंसिपल्स को स्वीकार करते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे IAS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मानक तय करता है ये वर्ल्ड लेवल पे। उसके बाद अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। आज के डेट में हमारे पास जो स्टैंडर्ड हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे 41 है, और इंडिया पे भी के पास इंडिया के लिए भी 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक मानक जो बना दिए जाते हैं, इसी के लिए जो नियम्स रूल्स बनाए जाते हैं, इसको सब लोग एज ए यूनिवर्सल मानते हैं, फॉलो करते हैं, इसको हम अकाउंटिंग कंसेप्ट कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। है तो अकाउंटिंग कंसेप्ट, द अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स इवॉल्व आउट ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉलोड बाई डिफरेंट कंट्रीज एंड लेटर ऑन इस्टेब्लिश्ड बाई द इंटरनेशनल स्टेचुटरी अकाउंटिंग बॉडीज लाइक द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स टू बिकम एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेचुटरी नीड्स टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन नट्सहेल दिस हैव इनवॉल्व आउट ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलोड बाई सेवरल वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका आशय यह है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट मीन्स ये एक ग्लोबलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे जो स्टैंडर्ड्स हमारे स्टैंडर्ड्स कमेटी ब्यूरो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये डिजाइन करते हैं, उसको सबको फॉलो करना पड़ता है, दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट। और अब हम कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस प्रैक्टिस आर बेसिकली एजम्पशन एंड एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ कन्वेंशंस, इट मीन्स परिपाटी, जो एक कहा जाता है कि परिपाटी चलती चली आ रही है, उसी प्लेटफॉर्म पे वो करना होता है। आगे चल के इसके बारे में हम बताएंगे आप। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था कि हमारे पास 10 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कास्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कन्वेंशंस हमारे पास जो 3 मेजर कन्वेंशंस है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जैसा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस की एंटिटी को डिफाइन करता है। जैसे बिजनेस को जब भी हम रेज करते हैं, बिजनेस के लिए हम कैपिटल रेज करते हैं, जो हमें कैपिटल प्रोवाइडर्स होते हैं, या जिसे हम कहें कि ओनर्स और कैपिटल प्रोवाइडर्स और बिजनेस, इन सब की अलग अलग एंटिटी होती है। कैपिटल प्रोवाइडर्स नोन एज ओनर्स एंड बिजनेस
तो यहाँ पर हम ये बताते हैं आपको कि बिजनेस की अपनी एंटिटी होती है और अकाउंटिंग में बिजनेस की एंटिटी ही मुख्यतया मेजर रोल प्ले करती है। उसके बाद हम अब इस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में ये बताते हैं कि बिजनेस की एक अपनी एंटिटी होती है, जो कुछ भी अकाउंटिंग वर्क होगा वो बिजनेस के एंटिटी को देखते हुए होगा। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंटिटीज के बारे में आप देख लीजिए कि ये जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बिजनेस में हमारे कैसे कैसे एंटिटीज हैं इसके बारे में आप देख लीजिए। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसका एक एग्जांपल्स दिया हुआ है। सोल प्रोपराइटर, तो सोल प्रोपराइटर में है आपका एकल स्वामित्व वाले जो भी व्यवसाय हैं, जैसे कि उसके लिए हम रामायण कंपनी ऐसे लिखा जा रहता है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म यानी कि साझेदारी का व्यवसाय, राणे एंड ब्रदर्स। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में रिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ प्राइवेट कंपनी इन विच शेयर आर नॉट ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में अगर जो उसके कंपनी के शेयर अगर व्यापार नहीं कर रहे हैं, जिसकी मेंबर्स 50 से अधिक नहीं हो सकते हैं, वो हमारी पार्ट प्राइवेट कंपनी कही जाती है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में आप यहाँ देखिए उसका एग्जांपल में हिंदुस्तानी यूनिलीवर, हिंदुस्तानी यूनिलीवर एक फेमस कंपनी है जिसके बारे में आप भली बात जानते होंगे। क्लोजली हेल्ड कंपनी, कैडबरी इंडिया लिमिटेड, ये अ पब्लिक कंपनी इन विच शेयर्स आर नॉट ट्रीटेड बट शेयर्स आर हेल्ड बाई मोर देन 50%। ट्रस्ट, नो अ प्राइवेट ट्रस्ट, ये ट्रस्ट काम करते हैं सोसाइटी, प्रयाग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस में ICAI, ICWAI, ICSI, रोटरी क्लब एट्सेट्रा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें तो वन मैन कॉर्प होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, एनी अदर लीगल एंटिटी, HUF एट्सेट्रा। अब हम आगे चलते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, इट मींस अकाउंटिंग हम करेंगे, तो उसका वो कहीं ना कहीं से मॉनेटरी टर्म में हो, यानी कि वो मनी में मेजर किया जा सके, उस ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हों, इसलिए अब उसी के अकाउंटिंग हम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आपके सामने पड़े हुए हैं, आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे एग्जांपल्स भी आते रहेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को मोटे तौर पे अगर देखें हम, तो जो भी ट्रांजैक्शन जिसका मोनेट्रियल टर्म्स उसे हम मनी में नाप तौल सकें, इट मींस उसका रिलेशन मनी से हो, मोनेट्रियल टर्म में हो, उसी की हम अकाउंटिंग करते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि माई वाइफ लव्स मी सो मच, क्या ये मोनेट्रियल टर्म है? नहीं है, कैन नॉट बी अकाउंटेड, ये इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। क्यों? कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों? कि मोनेटरी टर्म इसका होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं माय मदर इन लॉ गेव हर पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी टू स्टार्ट माय बिजनेस, तो ये वो अपना पर्सनल जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो उस सेंस में उसकी एक वैल्यू है मोनेटरी टर्म में, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एलिमेंट है। आगे चलते हैं, तो आगे अब देखते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, जैसा कि लुकस पैसियोले की जो पुस्तक थी डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, उसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। तो वहीं से इसको हम देखते हैं कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि एवरी ट्रांजेक्शन्स हैव ड्यूअल एस्पेक्ट एंड फर्स्ट डेबिट एंड अदर नोन एज क्रेडिट। तो दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे हम देखते हैं तो हम लायबिलिटी एंड एसेट्स में विभेद कर पाते हैं, उसके बाद साथ ही साथ एक्सपेंसेस रेवेन्यू में विभेद कर पाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस में विभेद कर पाते हैं, और इसी के बिहाफ पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करते हैं। अब आगे चलते हैं तो कास्ट कॉन्सेप्ट। कास्ट कॉन्सेप्ट का आप देखिए, एसेट्स आर ऑलवेज शोन एट देयर कास्ट एंड नॉट एट देयर करेंट मार्केट वैल्यू। इट मीन्स कास्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एसेट्स है उसका वैल्यूएशन हम उसके कास्ट प्राइस पे करते हैं, ना कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे। जैसे कि इसके उदाहरण में हम देखें कि मैं एक कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ 10 मिलियंस, और कुछ समय बाद या सब भी कहें उसका मार्केट वैल्यू अगर 15 मिलियंस है, तो उसका अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, जब उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कास्ट कॉन्सेप्ट को। कास्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि कभी भी हम उस एसेट्स का जब हम कास्ट कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट प्राइस हम नहीं लेंगे, हम उसका जो एसेट्स प्राप्त करते समय जो कास्ट हमने पे किया है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसी के बारे में एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब आगे चलते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के बारे में आपको एक ऑब्वियस जनरल सामान्य जानकारी आपके पास है कि समय जो है वो कभी भी चलता रहा। बिजनेस में आप देखते हैं, एक जनरल लाइफ में भी समय चलता रहता है, कभी भी कुछ भी कर लीजिए तो। लेकिन हमारे जब अकाउंटिंग टर्म की बात करेंगे तो अकाउंटिंग टर्म में ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड की जब बात करता है तो हमारे पास देखिए, अकाउंटिंग मेजर्स एक्टिविटी फॉर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम यूजुअली अ ईयर, वन ईयर की बात करता है। तो वन ईयर की बात करता है, जैसे हम देखते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर को हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि जनवरी 2022 एंड दिसंबर 2022, इसके बीच में हमें एक वर्ष दिखाई दे रहा है। और एक फिजिकल ईयर होता है, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल टू मार्च से भी आपको हमने दिखाया है। तो अकाउंटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए पर्टिकुलर वन ईयर चाहिए, जिसको हम ट्राइमेस्टर एंड हाफ ईयरली किसी में डिवाइड भी कर सकते हैं, सर्टेन पीरियड होना जरूरी है। उसके बाद लेकिन जब स्टेट्यूटरी टर्म्स आते हैं, जैसे कि हम इनकम टैक्स या लीगल वे में जीएसटी आजकल अब चल रहा है, या सेल्स टैक्स एट्सेट्रा, उन सब के लिए जो, एंड एक दूसरे टर्म में कंपनी भी अपने एक्ट पे चलती है, तो कंपनी अपने एक्ट के अकॉर्डिंग एक ईयर देती है, उस ईयर को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर वन ईयर का समय लगता है। अब हम देखते हैं
कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भविष्य की हानियों को ध्यान में रखता है, लाभ का ध्यान नहीं रखता है, भविष्य में होने वाली हानि की व्यवस्था करता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम भविष्य को ध्यान में रखते हैं। विंडो ड्रेसिंग का नाम आपने सुना होगा, वो इसी पे आधारित है एट्सेट्रा। उसके बाद अब आगे चलते हैं तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा ये बतलाता है इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि जो कुछ हमें बिजनेस में ट्रांजैक्शन के थ्रू क्लासिफाई करना होता है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हम जो भी परचेज आर सेल्स आर इनकम एक्सपेंसेस इन सब की बात करते हैं तो जो रियलाइज्ड वैल्यू होती है उसे ही हम पुट अप करते हैं, लेते हैं, उसके लिए उसके क्लेम हम बनाते हैं। तो अब जैसे कि अ सेल्स इनवाइस फॉर अ मिलियन, ये सब क्यों, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्यों? तो इसके लिए ये कि ये जब ऑडिटिंग के पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि द एविडेंस ऑफ द हैपनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड सपोर्ट एवरी ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेपर। पेपर फॉर्म में ट्रांजेक्शंस को एक रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में रखा जाता है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लाते हैं। अब हमारे पास गोइंग कंसेप्ट, अब यहाँ पे हम कन्वेंशंस की बात करते हैं। अभी आपने देखा कॉन्सेप्ट्स, अब कन्वेंशंस की बात हम करते हैं। तो कन्वेंशंस में हमारा ये जो पहला कन्वेंशन है गोइंग कंसर्न, जो हमारी परिभाषा है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चलता है कि गोइंग कंसर्न एक ऐसी परिपाटी जो बता रही है कि अनवरत चलती रहे। तो जब कोई भी व्यवसाय किया जाता है या कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी एट्सेट्रा, ये एक दिन के लिए नहीं होती है, ये अनवरत चलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम गोइंग कंसर्न कन्वेंशंस को लेकर चलते हैं। जैसे कि ये देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑन द एजम्पशंस दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन आइडेंटिटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे समय तक के लिए, इसलिए इसका नाम गोइंग कंसर्न रखा गया। अब आगे अगले कन्वेंशंस की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें जो भी रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं उस रूल्स को बीच में हम बदल नहीं सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि गेम चल रहा है तो गेम में बीच में रूल्स तो बदलते नहीं हैं, उसी बिहाव पे कंसिस्टेंसी बनाए रखी जाती है। जैसे कि द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स फॉलोड बाय द कंपनी शुड बी द सेम एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष वो एज इट इज सेम रखती है। इसके एग्जाम्पल को देख लो तो पीरियड्स शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर टू अप्रैल टू मार्च, बीच में पीरियड को कभी चेंज नहीं किया है। अगर हमने जनवरी टू दिसंबर लिया है तो हम उसको बीच में मार्च टू अप्रैल नहीं कर सकते हैं, उसे हम एज इट इज जनवरी टू दिसंबर ही रहने देते हैं, या हम मार्च टू अप्रैल रखते हैं तो उसे फिर जनवरी टू दिसंबर नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसको हम वैसे चलते रहने देते हैं।
और दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में जो भी हमारे मेथड्स हैं जैसे कि फीफो मेथड, लिफो मेथड, हिफो मेथड, ये जो मेथड्स हैं जिस मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं उस पे ही हम उसका वैल्यूएशन पूरे वर्ष तक करते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, तो जो डिप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं, डिप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो उस समय जो रूल्स हम अप्लाई कर देते हैं, जो भी मेथड्स यूज करते हैं, उस मेथड्स को हम फिर से चेंज नहीं करते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे एक नोट्स के रूप में आप देख लीजिए कि इफ़ एनी कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द पॉलिसी, अगर कोई कंपनी डिसाइड करते हैं अपनी पॉलिसी को चेंज करने के लिए, तो उस केस में उसे पहले अपनी मीटिंग्स के में अनाउंस करना होता है और वो पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि ये कब से लागू होगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर वो डेट देती है कि ये उस डे से लागू होगा। इट मीन्स वो अपने वन ईयर जो फाइनेंस जो उसका बिजनेस ईयर और फाइनेंशियल ईयर है उसको ध्यान में रखते हुए, उसका इम्पैक्ट एक वर्ष या दो वर्ष जो भी पड़ता है उसको भी ध्यान में रखते हुए उस टाइम से उसे वो अपना अप्लाई अप्लीकेबल करती है, जैसे दैट्स पास्ट फाइव ईयर्स। अब आगे चलते हैं, तो अगला हमारा कन्वेंशंस है एक्रूवल कन्वेंशंस। एक्रूवल कन्वेंशंस में देखिए तो इसमें जो कुछ अकाउंटिंग होता है एक्रूवल बेसिस पे होता है, कैश बेसिस की बात है तो कैश बेसिस पे नहीं। कैश बेसिस पे हम देखते हैं तो हमारे पास तमाम चीज़ें हैं, वो आगे आपको समझ में आ जाएगी समय के अनुसार। जब अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इवेंट्स, अकाउंटिंग इवेंट्स को हम क्लासिफाई यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल आइटम्स, कैपिटल आइटम्स की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं परचेज ऑफ प्लांट और मशीनरी, इम्प्रूवमेंट टू एसेट्स दैट इंक्रीज देयर यूजफुलनेस और एक्सटेंडेड देयर इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ट्रांसपोर्टिंग एंड एसेट्स टू इट्स साइट एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर यूज। अब आगे देखते हैं तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इवेंट्स के भी क्रम में अब हम रेवेन्यू आइटम्स की बात करें, तो रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन हम कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में आप देख रहे हैं। तो एन इनकम आर एक्सपेंडिचर एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी, अब वो हमारा कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, तो जो इन वन ईयर वन बिजनेस ड्यूरेशन ईयर में जो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नाम से रेवेन्यू आइटम्स में शामिल करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, रेवेन्यू इनकम्स हो गए। उसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को इवेंट्स को समझने के लिए सबसे एक सिंपल सा है कि जैसे कि एडवर्टीजमेंट एड्स जो आजकल आते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे आप कुछ देख रहे हो या टेलीविजन पे देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई भी साइट सर्च कर रहे हैं, तो जो एड्स आते रहते हैं उस एड्स के लिए वो कंपनियाँ भारी भरकर अपना पे करती है, तो जो भी उसमें उसका एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस का कुछ हिस्सा रेवेन्यू होता है और कुछ उसका कैपिटल इवेंट में होता है। तो अब उसके लिए हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आती है, तो उसका धीरे धीरे हम गेन करते हैं उस एडवर्टीजमेंट पे जो भी एक्सपेंस होता है हम बिजनेस और कंपनी, तो उसके बारे में जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा रॉयल्टी पेड टू द ऑथर ऑफ द बुक फॉर फाइव ईयर्स दिखा दिया, तो फाइव ईयर्स की बात कर दिया तो वन ईयर करके वो अपना रेज कर लेगा। उसके बाद अब हम आते हैं तो अकाउंटिंग रूल्स की बात करते हैं कि ये अकाउंटिंग रूल्स क्या हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस में होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका मॉनेटरियल टर्म में आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और
क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ये जो अकाउंटिंग रूल्स हैं उस अकाउंटिंग रूल्स को किस प्रकार से, तो हमारे पास यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल को भी हम टू सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो रियल और नॉमिनल अकाउंट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो पर्सनल का जो रूल्स है, तो ये आप देखते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और यहाँ पर हमारा रियल में व्हाट कम्स एंड व्हाट्स गोज आउट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। एंड नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एंड इनकम एंड रेवेन्यू आर क्रेडिट। इस पे हम देखते हैं, तो अब इस रूल्स को आगे और देखते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स का एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम एक एट अ ग्लांस देखते हैं, क्योंकि जब हम आगे एप्लीकेशंस करेंगे उस टाइम प्रॉपरली आप इसको समझते चलेंगे, अभी आप एट अ ग्लांस देखें। तो चेक वेदर इज देयर अ मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है, चेकआउट करिए कि मनी ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद इज दैट ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स योर सेट ऑफ बुक्स, क्या ये ट्रांजेक्शन आपके अकाउंटिंग बुक्स को कहाँ कहाँ से इफेक्ट कर रहा है, आप ये ध्यान देंगे। और उसके बाद आप एक और चेकआउट करेंगे, वेदर डज द ट्रांजेक्शन फॉल्स अंडर विच अकाउंटिंग पीरियड, वो किस अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजेक्शन जाएगा, उसको भी आप आइडेंटिफाई करेंगे। डज द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अ पर्सनल अकाउंट, दैट इज रामा, एज अ पर्सन और अ कंपनी और एनी अदर एंटिटी एज मेंशन इन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इज दैट पर्सन इज ए रिसीवर और गिवर इन द ट्रांजेक्शन एंड अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट द पर्सन अकाउंट, डज ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो आउटफ्लो, इफ देयर इज नो कैश इन्वॉल्वमेंट देन द च्वाइस एज आर एज फॉलोज, वन रियल एंड वन नॉमिनल, आइदर डेबिट और क्रेडिट। आगे हम देखते हैं, उसके बाद अब मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स ऑफ थम, हमारे पास मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स ऑफ थम की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस के नेचर्स क्या हैं, क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज होता है। तो देयर आर फाइव एलिमेंट अ टर्म्स, दैट्स एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जब मैं एसेट्स की बात करता हूँ, एसेट्स में जब इंक्रीज होगा तो एसेट्स हमेशा डेबिट होगी और डिक्रीज पे क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे इस चार्ट को देखने से पता चलता है कि डेबिट कब होगा, किस में इंक्रीज होगा, तो डेबिट होगा, तो एसेट्स में होगा, एक्सपेंसेस में होगा और लॉसेस में होगा। तो एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस जब इसमें इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होंगे, और क्रेडिट कब होगा, लायबिलिटी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, लायबिलिटी रेवेन्यू और प्रॉफिट में जब इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। और उसके बाद अब ऐसे आगे चलते हैं, तो कम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, इसे हम मैपिंग भी बोल सकते हैं। तो कम्बिनेशन कैसे कंबाइन हम करते हैं, तो ये देखिए एक चार्ट आपके सामने जो दिखाई देता है, पर्सनल रियल नॉमिनल, अब उसके बाद पर्सनल रियल नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट कभी भी आप देख रहे हैं तो पर्सनल पर्सनल दोनों डेबिट नहीं हो सकता, दोनों डेबिट नहीं हो सकता, और पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इस चार्ट को देख करके आप समझ सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट और ये क्रेडिट एक साथ नहीं हो सकता है, ये दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन रियल अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट एक साथ हो सकता है, देखिए ऐसे। और उसके बाद ये पर्सनल अकाउंट्स रियल क्रेडिट और डेबिट हो सकता है रियल के फॉर्म में, ये सब देखिए। आगे चलिए, और अब इसको
एक उदाहरण के रूप में हमने दिखाया है, तो इसको अब आगे चलते हैं और उसके बाद हम अब देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंटिंग इवेंट इज नोन एज जर्नल एंट्री। ये उसके बारे में जैसे जैसे है। अब ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में ये सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब वो होगा उस समय प्रॉपर वे में आपको विस्तृत रूप में आगे के यूनिट्स में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आल्सो। अब अकाउंटिंग टर्मोलॉजी की बात करें तो अकाउंटिंग टर्मोलॉजी शायद आपको कुछ पता भी होगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कुछ अकाउंटिंग टर्मोलॉजी की बात करते हैं। जैसे एसेट्स, एसेट्स क्या है, तो एनी प्रॉपर्टी आर इन्वेस्टमेंट विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, दैट इज एसेट्स। लायबिलिटी, अमाउंट पेबल टू प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, दैट इज लायबिलिटी। रेवेन्यू, अमाउंट अर्नड आउट ऑफ द सेल प्रोसीड। एक्सपेंसेस, अमाउंट इनकर्ड और एक्सपेंसेस टू अर्न द रेवेन्यू। प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। लॉसेस, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जो वन ईयर से अधिक बिजनेस में कंसिस्ट करती है, वो हमारे फिक्स्ड एसेट लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। करेंट एसेट्स, करेंट विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, वन बिजनेस ईयर, दैट इज करेंट एसेट्स, इट मींस लिक्विड एसेट्स। आप अकाउंटिंग टर्मोलॉजी में और भी आगे चलते हैं, तो रिसीवेबल, दैट इज ये सबके बारे में जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे सारे टर्म्स आएंगे और आप इसकी स्टडी आप बारीकी से कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, तो अकाउंटिंग का नेचर ये है कि इट इज एन आर्ट एंड साइंस। इस बात में अकाउंटिंग को उसे ना हम कला मानते हैं और ना ही विज्ञान मानते हैं। दैट इज अकाउंटिंग का नेचर है कि इट इज एन आर्ट एंड साइंस आल्सो बोथ, ये दोनों है। क्योंकि जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक एक आर्ट के तहत हम अकाउंटिंग बुक्स को रखते हैं। अकाउंटिंग्स में एंट्री, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, दैट्स एवरीथिंग, वो हमारा एक आर्ट के रूप में होता है। और साइंस इसलिए कि वो प्रूव कर देता है, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड बोथ आर इक्वल, दैट्स एंड ये बताता है हमारा कि हमारे सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वेल बींग्स हैं। उसके बाद रोल ऑफ एन अकाउंटेंट, तो रोल ऑफ एन अकाउंटेंट की बात करें तो आज के इस बिजनेस वर्ल्ड में एक जो लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बिजनेस मैन को कह लीजिए या कोई भी, इतने मेनी ट्रांजेक्शन्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बिजनेस का साइज बढ़ता गया। और इस केस में किसी भी अकाउंटिंग्स के पहलुओं को याद करके रख पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। और बिजनेस में दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो जिससे बिजनेस को कभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए या इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिसीजन लेने के लिए अकाउंटेंट का रोल बढ़ता है। तो अकाउंटेंट के रोल्स तो बहुत से हैं, इस पे कंपनियों के डिसीजन मेकिंग होते हैं, बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी की जाती है इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स पे। तो अकाउंटेंट्स के रोल होते हैं आर्टिंग पर्पज से भी, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो जो भी हमारे पास जर्नलाइजिंग प्रोसेस से लेकर के जो बिजनेस साइकिल की बात करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक, आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन करने के समय, तो अब इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो हम अपने बिजनेस को एक दिशा देते हैं, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं।
क्या बिजनेस में होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, उस सिस्टम की बात करता है। और अब स्कोप एंड इमर्जिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप एंड इमर्जिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, तो इसके बारे में, इसके स्कोप बहुत ही ब्रॉडर सेंस में कहे जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल हो चुके हैं और इसका रिलेशन सभी सेक्टर में, इट मींस अ ग्लोबलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे इसके इमर्जिंग रोल्स हैं, जैसे इन मैनेजमेंट, इन कॉमर्स, इन साइंस, इन बिजनेस एट्सेट्रा, हर तरफ इसके इमर्जिंग रोल्स हैं आने वाले समय में। अभी कोविड काल में भी आप देखे होंगे इसके रोल को, आप भली भांति इसके इम्पोर्टेंस को समझे होंगे। और इस प्रकार से आप लोगों को अब अगले लेक्चर में हम इस यूनिट के, सॉरी, इस ब्लॉक के बचे हुए यूनिट्स को लेकर आएंगे और उस दौरान आप ये थ्योरेटिकल फॉर्म में जो कुछ आपने देखा उसको अप्लीकेबल करते हुए और उसके हर पहलुओं पे चर्चा करते हुए आपको विधिवत तरीके से और समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो धन्यवाद, थैंक्स।